हाय गाइस तो मैं बना रही हूँ फर्स्ट क्यू एन ए वीडियो मतलब इतने सारे डी एम्स आ रहे थे कि क्यू एन ए करो क्यू एन ए करो तो मैंने सोचा कि आज कर ही लेते हैं यार बहुत टाइम हो गया और अभी तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ क्यू एन ए की बिकॉज दिस इज़ माई फ़र्स्ट टाइम बट हाँ मतलब बाद में एक अच्छी सी बड़ी सी बनाएंगे ठीक है तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते फटाफट से स्टार्ट करते हैं द वे आज अच्छी लग रही उन्होंने मैं वीडियो बनाना था तो थोड़ा तैयार हो गई ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं रुको सो so, यार पहला क्वेश्चन है मतलब डर सा लग रहा है कि कैसा होगा बट अच्छा होगा मेरे हिसाब से अच्छा होगा ठीक है सो so, पहला क्वेश्चन अपना नंबर दो नाइस nice. यार नंबर का क्या करना है मतलब रेसिपीज देख रहे हो ना रेसिपीज डाल रही डेली नंबर का क्या करना है छोड़ो ये क्वेश्चन सटाओ सेकंड क्वेश्चन और रेसिपीज बनाओ ठीक है और रेसिपीज बनाते हैं हमें तो बनानी है थैंक यू थर्ड क्वेश्चन कितने साल की हो फिर से एज क्वेश्चन हो माय गॉड एज का क्या करेंगे ये एज वाले क्वेश्चन ना मैं सबको एंड में रिप्लाई करूँगी बहुत सारे हैं अरे बहुत सारे एज क्वेश्चन हैं फोर्थ क्वेश्चन एक्चुअली दिस इज नॉट अ क्वेश्चन मैक्रोनी मैम को मैक्रोनी बहुत पसंद है ओके okay. हम मैक्रोनी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करेंगे ओके फिफ्थ क्वेश्चन कॉलेज और स्कूल या ओके आई एम इन कॉलेज आई एम इन सेकेंड ईयर ओके क्वेश्चन या सिक्स ना आपके हस्बैंड क्या करते हैं कहाँ जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ मैं इसका क्या कुछ रिप्लाई नहीं कर सकती सेवेंथ व्हाट आर यू डूइंग मतलब ये किस वे में है मतलब मेरी स्टडीज़ के बारे में है या फिर मेरे करियर से रिलेटेड है या फिर मैं इस टाइम क्या कर रही हूँ इस टाइम तो आई एम डूइंग नथिंग आई एम शूटिंग क्यू एन ए वीडियो फॉर माई फैमिली और वैसे आई मीन सेकेंड ईयर ओके आप कौन सी क्लास में हो ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि मैं क्लास में नहीं हूँ मैं सेकेंड ईयर में हूँ ओके सो और क्वेश्चन आई लव योर रेसिपीज थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आई लव यू मैम ओके आई लव माई फैमिली टू एंड थैंक्स फॉर लव वॉट इज़ योर एज दोबारा से व्हाट इज़ योर एज देख रहे हैं आप लोग यार एज वाले क्वेश्चन अभी नहीं ओके okay, रियलिटी में कब टेस्ट करवा रही हैं अपनी डिशेस जब मर्जी एक वो रखते हैं पूरा मतलब सब फैंस के लिए खाना बनाते मैं आ जाओ कभी भी भोले चटूरे ओके okay, भोले चटूरे और छोले कुलचे सो माई चॉइस इज़ छोले कुलचे बट भोले चटूरे उसकी रेसिपी भी पक्का अपलोड करूंगी ओके okay? ये नॉन वेज की रेसिपी क्यों नहीं बताती हो तुम सॉरी बिकॉज़ मैं वेज हूँ और मेरे घर में नॉनवेज नहीं अलाउड ना मैंने कभी खाया ना कभी बनाया इसलिए मैं नहीं बताती अपने हाथ का बना खाना कब खिला रही हो जब भी कभी भी प्लीज़ एक बार मीटअप प्लान करते हैं हैश टैग मम्मा की आर्मी वाओ आई जस्ट लव दिस हैश टैग बाकी मीटअप कभी भी रख लो यार मेरे को बहुत मज़ा आता है अपनी फैमिली से मिलने में हाउ डू यू मेक सो डिलीशियस फूड मैं बहुत बचपन से प्रैक्टिस कर रही हूँ इसीलिए आप लोगों को खाना इतना अच्छा लगता है थैंक यू कीप लविंग हु योर सपोर्ट सिस्टम आई जेनवली लाइक दिस क्वेश्चन माय सपोर्ट सिस्टम मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली मेरे ब्रदर जो कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं उनके सपोर्ट के बिना मैं ये चैनल इतना ग्रो नहीं कर पाती मैम आपने कुकिंग कौन सी एज से स्टार्ट की थी इंटरेस्टिंग hmm, मैंने की थी आई थिंक जब व्हेन आई वाज इलेवन या ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड मैं चाय बनाने लग गई थी मैं पराठे बनाने लग गई थी बचपन से ही शौक़ था कुकिंग का सब्जियां काटती थी मम्मी के साथ चाय वो बहुत गलत होता था बट मैंने स्टार्ट कर दिया था ओके न्यू न्यू ड्रिंक्स शेक्स शेयर करिए ओके दिस इज़ नाइस मैं अब न्यू न्यू ड्रिंक्स और शेक शेयर करूँगी ओके शेयर ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ ब्रेकफास्ट मैंने बहुत सारी ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ अपलोड कर रखी हैं बट या अब मैं और करूँगी बिकॉज आपने कहा है ओके दिस वन इज़ बेबी वो इज़ कॉलिंग मी बेबी दिस इज़ नाइस अपनी कुकिंग टिप्स शेयर करो शेफ फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मतलब शेफ़ कहा आप लोगों ने मतलब यही मज़ा आ गया सुन के अपनी कुकिंग टिप्स शेयर करो कुकिंग टिप्स आज से नहीं जो है मैं वीडियोस में डाल ही देती हूँ वीडियोस बना ही देती हूँ आप लोगों के लिए बस कुकिंग टिप्स क्या ही बताओ यार <laughs> और छोले कुलचे या आई ऑलरेडी टोल्ड यू मुझे छोले कुलचे बहुत पसंद है और अभी तक मैंने उसकी एक रेसिपी शेयर किया आई थिंक नहीं दो कुलचा सैंडविच एंड कुलचा पिज़्ज़ा वो ज़रूर देखना बाकी मैं छोले कुलचे की रेसिपी भी जल्दी अपलोड करूँगी इतनी अच्छी शेफ़ कैसे बनी फिर से शेफ़ के लिए थैंक यू सो मच और इतनी अच्छी कैसे बनी यार देखो ये मतलब सब मेरे फैमिली की वजह से हुआ है जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और आप लोगों की वजह से जिन्होंने आपने मुझे इतना प्यार दिया इतना बड़ा चैनल करवाया मेरा इसलिए तो बस ऐसे बन गई आपका बॉयफ्रेंड ओ लेट्स कीप इट कॉन्फिडेंशियल बाकी नहीं है तू इतनी अच्छी कैसे है मैं अच्छी हूँ थैंक यू बाकी मेरे घर वाले नहीं मानते मैं अच्छी हूँ यार तेरी वीडियो देखकर भूख लग जाती है बार बार ओ, तो तुम भी बनाओ ना मैं वीडियोस बना रही हूँ सिखा रही हूँ कुछ सीखो बनाओ अपनी फैमिली के लिए पिज्जा हाउ मेक ओके पिज्जा की रेसिपी डालो पिज़्ज़ा की रेसिपी मैंने काफ़ी अपलोड कर रखी है आई गेस hmm, कर रखी है बट अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे ना कमेंट करो या फिर इंस्टा पे डीएम करो और अब मैंने ये देख ही लिया है वैसे मैं अपलोड कर दूँगी ओके तेरी okay? आवाज़ जहर पाओ थैंक यू आई लव योर रेसिपीज़ एंड स्माइल ओके थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट मैम योर कॉन्टैक्ट नंबर नो कॉन्टैक्ट आई डोंट हैव फोन फोन ही नहीं है मेरे घर वाले नहीं लाते और कहाँ रहते हो आई स्टे इन डेली और आप लोग अपना अपना बता देना इट्स नॉट अ क्वेश्चन इट्स एंड एडवाइस डोंट फील डीमोटिवेटेड अबाउट योर यूट्यूब इट्स गोइंग ग्रेट थैंक यू सो मच फॉर दिस आई रियली नीडिड दिस थैंक यू थैंक यू थैंक सो मच हाउ डू यू मेक सो डिलीशियस रेसिपीज हमसे तो नहीं बनता देखो पहली तो ये मेरा मतलब बचपन का शौक है कुकिंग करना कुछ भी मतलब आधी रात को उठा के आप लोग मुझे कुक करवा सकते हो इतना ज़्यादा शौक़ है मुझे हमसे तो नहीं बनता सबसे सारा काम नहीं होता मुझे कब खिला रही है कभी भी यार घर आ जाओ सर आई वॉन्ट यू टू पोस्ट एटलीस्ट फोर वीडियोज़ ऑफ सब्जी इन अ वीक ओके आई विल वर्क ऑन इट अब से मैं सब्जियाँ पोस्ट करूँगी एंड स्टे ट्यून देखनी आपने पोस्ट है तो दर वीडियोज़ लाइक ऑफ चॉकलेट एंड अदर स्टफ जस्ट कीप इट गोइंग सेम वे ओके ओके श्योर आगे का क्या प्लान्स हैं आगे के ऐस कुछ प्लान्स नहीं है अभी तो कुकिंग 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 यही सब प्लान्स हैं मेरे वॉट इंस्पायर यू टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल माई ब्रदर इंस्पायर मी टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल ही इंकरेज मी इतना ज़्यादा कि तू कर सकती है तू कर सकती है तभी मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला एंड देन मेरे फ्रेंड्स ने भी एडवाइस दी कि हाँ तुझे इतनी अच्छी कुकिंग आती है आप लोग बोलते हो अच्छी मैं नहीं मानती मुझे बस नॉर्मल कुकिंग आती है और फिर मैंने खोल लिया ठीक है आपके यहाँ खाना किस रेस्टोरेंट में मिलता है आपका ये खाना किस रेस्टोरेंट में मिलता है अभी तो मेरा कोई रेस्टोरेंट नहीं है बट सुन आपकी दुआ से आपके प्यार से रेस्टोरेंट भी खोल देंगे क्या है आपके इतने अच्छे खाने का राज आप लोगों का प्यार ऐसा <laughs> कुछ नहीं है यार बस खाना अच्छा बन जाता है बिकॉज़ मैं दिल से बनाती हूँ मन से बनाती हूँ और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के बनाती हूँ <laughs> मेरे को ना जंक खाना है बट जिसमें चीज़ हो बहुत बट मोटा नहीं होना तो क्या करें नाइस nice क्वेश्चन इन्हें जंक खाना है इन्हें चीज़ भी खानी है पर इन्हें मोटा नहीं होना सोचना पड़ेगा तब जवाब दूंगी हाउ डू यू मेक सो यमय फूड ये सेम है बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स डाल दो दिल से बनाओ प्यार से बनाओ बन जाता है यार अच्छा ईजी है खाना बनाना सबसे ईजी चीज़ है फॉर मी हाँ कहीं के लिए मुश्किल होता होगा सिंस विच क्लास यू स्टार्टिड कुकिंग बाई योर शेल्फ फ्रॉम सिक्स या सिंस सिक्स एंड कुकिंग इतना बेकार कैसे बना लेती है तू नाइस nice. ये पक्का मेरा कोई फ्रेंड है बट मुझे नाम नहीं पता ओके so, okay, बेटा कोई बात नहीं बेकार ही बनाती हूँ ना मत देखा करो जस्ट जस्ट सजेशन पोस्ट डिटेल्ड एंड लॉग वीडियोज एज वेल ऑल्सो जल्दी से मेरे को भी खिलाओ वेटिंग ओके okay, मैं डिटेल्ड और लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ और बहुत सारी लंबी लंबी वीडियोस आने वाली हैं आज मैं अहमदाबाद जा रही हूँ वहाँ पे मैं आपको व्लॉगिंग दिखाने वाली हूँ बहुत सारी खाने की यार, खाने का मतलब इतना ज़्यादा है वहाँ पे तो तो बहुत सारी वीडियोस आने वाली है लंबी लंबी और जो मेरे को देखना पसंद करते हैं ना वो तो देखते ही रहना क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करने वाली हूँ डेली ऑल्सो जल्दी से मेरे को भी खिलाओ वेटिंग आई एम ऑल्सो वेटिंग यार जल्दी से आओ खाने ओके और और कमेंट्स देखते हैं ओके okay. या yeah. आप पढ़ाई नहीं करती क्या सारा दिन खाना बनाती रहती हो ऐसा <laughs> कुछ नहीं है एज मेरे कॉलेज अभी वो हैं ऑनलाइन चल रहे हैं मैं पढ़ाई भी करती हूँ और मेरा खाना बनाने का पैशन भी है मतलब मुझे मज़ा आता है खाना बनाने में जैसे कुछ लोग होते हैं ना पढ़ाई के साथ साथ खेलते हैं फ़ोन टीवी सीरीज़ वग़ैरह वगैरह मुझे खाने बनाने का शौक़ है ओके okay. सो so, आपका नंबर क्या है फ़ोन ही नहीं है मेरे पास Shit. आपकी एज हाँ तो अब ये जो सिमिलर क्वेश्चन हैं फिफ्टी अराउंड एज के जो क्वेश्चन हैं और मैं इनका रिप्लाई एक साथ कर देती हूँ एज आप लोग गेस कर लो मैं बता रही हूँ ना मैं सेकेंड ईयर में हूँ एम अ कॉलेज स्टूडेंट तो एज आप उस हिसाब से गेस कर लो ठीक तो है तो एज के टोटल ट्वेंटी टू थर्टी क्वेश्चन हैं सोचो और टेन टू फिफ्टीन है आर यू मैरिड और नॉट नो आई एम नॉट मैरिड यार आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई मीन सेकेंड ईयर बाक़ी कुछ नहीं हो सकता ओके एंड वी जस्ट लव योर फूड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहूँगी जो आपको अच्छा लगे सो कीप लिंग मम्म दैट यार नॉन वेज बनाओ मैं नॉन वेज नहीं बनाती बिकॉज मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया मेरे घर पर अलाउड भी नहीं है सो so, लेटेट भी ना वेज वेज खाते हैं। हम नॉन वेज वाला वेज बनाएंगे पनीर सोया चाप ऐसे ऐसे करके ओके okay? सो so, है वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आई होप मैंने सबके क्वेश्चंस को आंसर किया है और ये ना बहुत छोटी सी वीडियो क्यू क्यों ए की मैं और डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी अहमदाबाद से आके अभी मुझे फ्रूट ब्लॉगिंग करनी है एंड अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करो शेयर करो कॉमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको और क्यू क्यों ए चाहिए या नहीं चाहिए ओके बाय बाय